हेलो एवरीवन, केमची मगमावशी हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम आए हैं जी गाड़ी का थोड़ा सा सामान, एक था जी कैस्ट्रोल ऑयल जो है जी फुल सिंथेटिक। इसका कारण है कि हमारी गाड़ी में जो पिछली बार जिसने सर्विस की थी उसने कम तेल डाला था, तो हम जा रहे हैं जी किसी टूर पे नहीं, मतलब दिल्ली जा रहे हैं, यहाँ से पड़ता है 400 किलोमीटर। तो रास्ते में कोई प्रॉब्लम ना आए, ऊपर से गर्मी है तो इंजन गर्म ना हो, इसलिए हमने आधा लीटर तेल और डालने का निश्चय किया है। और ये क्या है, रेडबुल? हाँ, ये है रेडबुल, पीते ही बंदा जाग छोड़ता है। मतलब और ये पूरा सामान हमने लिया है पूछनी है मंजोत जी की शॉप से, तो ये मंजोत की शॉप, ये इसका काम। तो और एक चीज ली है, ये है जी पेट्रोल्स का अडेप्टर, और ये मिला है 3000 का। और इसमें कैलकुलेटर तक आई पड़ा, रेट अजे भी लिखे होना, मतलब जीरो बंद हो गया। मतलब ये है जी, ये है जी 340 का, और ये है जी 30 एम्पीयर, मतलब फास्ट चार्ज। इतनी डिटेल च नहीं जाना हमने, चल दो। इससे ना जो सी पोर्ट है, मतलब हमारे पास तो आईफोन नहीं है ना, जिनके पास वो चार्ज कर सकते हैं। चल चल चले, अभी हमें सामान लेने जाना है जी माला। नहीं यार, परफ्यूम तो लगी बंदे सेट लेने के लिए जिम वाले। तो भाई ये लंबी दास्ता मैं मतलब बाद में बताऊंगा, पहले इतने बता देता हूँ कि सामान लेने जा रहे हैं जिम वाला जस्सी के गांव वाले घर से, जहाँ ये पहला रहता है, जहाँ इसकी ओरिजिन है, ओरिजिन स्टोरी इसकी जिस गाँव की है। हमारे पास इतना टाइम है, यहाँ से 6-7 किलोमीटर है, तो बता सकता है आराम से। नहीं बता सकता, इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि मैं गिम्बल नहीं लेके आया था, गिम्बल ना होने की वैसे मेरा मोबाइल जो हिल रहा है, तो मैं इधर ज्यादा शेक ना हो तो वीडियो अच्छी नहीं बनेगी, इसलिए मैं नहीं बता रहा। मैं कर सकता हूँ जब मेरे पास गिम्बल होगा, जब मुझे गिम्बल की जरूरत नहीं है, घर में बैठ के मैं आराम से बताऊंगा बिना मोबाइल हिलाए। तो कोई बात नहीं, दिमाग में थोड़ा सा कीड़ा पड़ चुका, कोई बात नहीं। मतलब अभी हम जिम वाला सामान लेने जा रहे हैं, घर में एक्सरसाइज शुरू कर रहा हूँ। वेरी मच अंधेरा हेयर, टू मच अंधेरा। आग लगाई दे, ये किस पागल ने आग लगाई है, ऐसे पागल बेवकूफ लोग। पहुंचते पहुंचते मैं बहुत अंधेरा हो गया, तो भाई अभी लेट ही हो गया काफी। सो ये रहा घर जैसी का, अभी हम खोलेंगे दरवाजा, हम छोटे दरवाजे से एंट्री लेंगे। धूल घाटा मीछी बहुत ज्यादा है यहाँ पे, खोल दे मच्छर बहुत है। खोल जा सिम सिम, चाबी गलत है, खोल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम, नहीं खुला सिम सिम, खुलता नहीं पिया, यहाँ पे ताला नहीं खुल रहा, यहाँ तेरे से ताला, ओ खुल गया। वो यार मोड़ी बने तोड़ी नहीं पड़ी है, वो ये जादू की मामा भूत सी अंदर भूत है, होता अंदर की ले आया दरवाजा जा, ओदे भूल भूल भले ये वाला, वो भूल भले गया अंगो बम्मा, हुन देखी जमी जमा हुआ है, चल खुल गया। भूतिया घर में स्वागत है, आओ इतने बाहर सा दी ना, तेरे नाते तो बढ़ गया, वही और कुछ ही देखना पड़ेगा। ये कूलर उठाना है, ओहो यहाँ पे कोई नहीं रहता अभी, चलो भाई अंधेरा बहुत है। लेके किधर जाना जसी, सामने, चलो। यहाँ एक भूतिया घर है, यहाँ पे कोई भी नहीं आता क्योंकि ये बहुत ही लोग डरते हैं यहाँ पे आने से। कहता मोंजोली का आमी जे तुमा, ओ कट्टा किन्ना डाता उस्ताद, की होया तेनू? आई हैव एलर्जी विच घाटा मीठी, घाटा मीठी से एलर्जी ब्रो। कूलर हम छोड़ा है, ब्लॉग नहीं बना पाए क्योंकि अंधेरा बहुत था, अभी हम ऊपर आए छत पे, देखो कितना घाटा मीठी यहाँ पे। तो भाई पिछले हफ्ते सफाई का गए थे, केड़ा सामान आ, ओके आपन चाहिए प्लेट्स, एक रॉड बड़ी वाली और डंबल चाहिए, दो दोवी ईजी बार, ते उन्हें कहते जेडी विंगी वाली ना, उन्हें कहते ईजी बार, हाँ ये होंगी है ईजी बार, ठीक है। मुझे आके स्प्रे कर ली एक बार, क्यों हमें जंगल लगा, टू मच जंगल, कोई ना मैं दस्ताने पर के लगना, और एक चाहिए और ऐसी सीधी बार पर निकाल, वो वाली अगर कोई वाली होंगी वो भी निकाल, हाँ मोटी वाली, रोड दो है दूसरी लिए, मैं दोने लोने हो तदे कहने हैं, मैं तेनू एक और रोड एकदम ना होगी रखे, यही दो रोड हो गई हैं। तो भाई ये दे प्लेट्स,
ये थोर वाला हैमर क्या कर रहा है यहाँ पे? वो काट ला, एक डंबल एक कटने का, दोनों कटने मंजोली का आ सकती है समान चक्कर लगे। देखा वो अपने आप देखा ना साफ आ उस्ताद, माड़ा भी घटा नहीं का उस्ताद। पहला कुर्सी ला, दिमाग बंदे को काम करो, उन्हें ला फिर ही पिछे है और जेडे पिछले डंबल नहीं खिंचेगा छोटे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। फास्ट कर देनी कंटिन्यू समान कर लो, उस्ताद लोहे भी है सारा कुछ ही दस्या उस्ताद निरा लोहा है। देखो भी इसके पास घर में सामान पड़ा है, ये फिर भी नहीं लगाता है यहाँ पे धूल मिट्टी चाट रहा है सामान। हम 1000-1000 रुपया महीने का जिम में देते हैं, ये फ्री में नहीं कर सकता है। ओ भैया पता क्या हुआ, वो घर में ना पूरा सेट था, दोबारा जब घर को मेंटेनेंस या दोबारा ऊपर पोर्शन डाला ना तो तभी सामान यहाँ पर शिफ्ट किया था। ओके अब दोबारा अब जब हो जाएगा ना पूरा कम्प्लीट तो फिर ले जाएगा सामान सारा। भाई बात कुछ इस प्रकार है, प्लेट्स तो मुझे लेके जानी पड़ेगी सभी, ये 10 वाली दो हो गई, वो 15-15 किलो ये ले जाऊंगा। मतलब मेरा स्क्वाड वाला मैक्सिमम जो होता है वो मैं 100 किलो तक चला जाता हूँ एक क्वांटम, बट अभी घर में जैसे वो मेरे पास रैक नहीं रहेगा सो मुझे ध्यान से रखना पड़ेगा, शायद 60 किलो तक सफिशिएंट रहेगा। ये है 20 किलो का 10 किलो है? ये 10 किलो, 10 किलो ये, 10 किलो या ये, या फिर 20 किलो, पांच पांच की ये है, ये पांच की है, ये हाँ ये पांच है, 10 है, 5 है, 20 बात में कितने साफ, ये 10 है तो वो 10 थोड़ी है, वो भी 10 है, ये देख 10 kg, ये भी 10 kg। ओके ओके, मैंने एक मतलब अलग अलग शॉप से लिया था सामान, ये भी हो गया 10 kg, जो 20 kg हो गए ये, ठीक है ये अपना होगा 20 kg, और ये प्लेट जो है 6 kg की, 9 kg शुभा चेतुमा सीरियसली आ गया तू गल यार, देख 10 किलो 20 किलो 20 के लिए हो गया अपना, ठीक है अब दिक्कत वाली बात नहीं, दो रोड हो गई अपनी और क्या चाहिए जिंदगी में, 5-5 की चाक। हाँ सही कहा, ये वाली कौन सी? ये ना चाकू है, वो पर है ये मेटल, ये है 2 kg, इतनी कम का क्या करें, उधर उनकी ब्लर चलाई है ना, ब्लर वीडियो चलती सी, नहीं हो नहीं तेरी भी ना, हाँ भी चाकर ऑर्डर पर ये तो हैगी है, देखो एक कर ली हैगी है। हाँ आ 5 kg ये है पैसा, और साथ में कलाम, ओए दे ले जा कलाम पर, ये दे भाई रा चक्कर सोके हुए ने यार, दिमाग तेरा इना कितको है, मैं दिमाग बहुत हूँ, ये पापा जिम घरे आके लाइया बस मान चाकर, टेस्ट तो करना पड़ता है ना कि वर्क में है कि नहीं चीज, ਉਹ 5-5 ਵਾਲੇ ਚੱਕਣੇ ਕਿ 3-3 ਵਾਲੇ ਚੱਕਣੇ, 5-5 ਵਾਲੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਚੱਕੋ, ਡੰਬਲ ਆਹ ਗਿੰਬਲ ਡੰਬਲ ਡੰਬਲ ਅੱਛਾ ਆ 3-3 ਵਾਲੇ ਆ, ਹਾਂ ਮਮਾ ਗੱਡੀ ਚ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰ। ਸੋ ਬਈ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ 10 ਕੇਜੀ ਦੇ ਨੰਬਰ, ਇਹ ਰੋਡ ਔਰ ਇਹ 20 ਕੇਜੀ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਮਤਲਬ 10-20-40 ਕੇਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਲੋਅਰ ਪੇਟ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸकी ਆਵਸ਼ਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਨਾ ਕਾਫੀ ਹੈ 40 ਕੇਜੀ, मंजोली का आया नहीं जल्दी आप, चलो अभी मतलब मतलब टाइम अभी वो आया 8-7 और 9 बजे के बाद मंजोली का आ जाती है, तक है हाँ ताई ऐसे घर के पास कोई भड़कता नहीं है, चला जा बात सीरियस ना ले, प्लेट चकनी है और कोई प्लेट यार सोचन दे पड़ेगा, रोड वड्डी आ गई है, हाँ वड्डी यार ये तो वड्डी मामा, हुण मैं कित्थों लेवां, एक मिनट ना मेरा लग जाऊ, एक होर रोड आ इथे पई आ, चल चक हुण इन समान, सो भाई फाइनलाइज हो चुका है अपना, ये है 20 किलो के दो डंबल, ये है 10 किलो की एक वेट के साथ रॉड जिसके साथ क्लैंप्स भी है ताकि रिमूव ना हो, और 40 किलो का ये वेट है, ठीक है और दो रॉड उधर पड़ी है, सो दैट्स एनफ फॉर मी, इतना काफी है, और अगर मैं ये रोड लेके जा रहा हूँ
तो आई थिंक मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, है ना। ये इजी बार ही है, ये देखो सही है, फिर इसकी आवश्यकता नहीं है। सो लेट्स नॉट टेक दिस, तो वो लेके चलते हैं बस। भाई हमारे पास गाड़ी है, गुड़ुका नहीं है। मतलब हम पंजाबी चुकड़ुका कहते हैं, हिंदी चुकड़ुका। देखो भाई, मतलब हम दो ही लोग हैं और हमें शूट नहीं हो पाएगा क्योंकि एक को लाइट पकड़नी पड़ेगी, पर वैसे भी शूट कर ही सकता है। तूने तो खाना नहीं, मैंने उठाना, तो मैं क्यों खुद से सवाल कर रहा हूँ। तो अभी थोड़ा सा सामान और रह गया है, बस दो चार पीस और है। चलो अभी वो भी लेके आए। इन्हू बंद कर दीजिए, चक लेना तक। इंडिया है, इंडिया है। सारे डंबल ही गया। लाइटा तो इतने भी जगदी वा, जगा मंजोलिका आके 9 बजे आके जगा। हां जी कर दियो, जो लैके पो सवेरे चल जाओ मेरे को। हुण मैं पिंड आ, मैं कट के रख दूंगा, सवेरे मैं दिल्ली निकल जाना। ओ हेलो, दस किलो है वीरे, दस यानी बस वीरे। इदा हुंदा जिम, जिम लाउंदे निशानी हुंदी भरावा हत्थ उठाउणा। तो थोड़ा सा यहां पे मिस कैरेज को तो अभी वाटर पी कर आते हैं। चलो चलो, हमारा काम हो गया, हम घर को करे लॉक कील के मंत्र तंत्र के साथ, मोल के साथ, ताकि मौजूलिका बाहर ना आ जाए। ओम फट ओम नमः शिवाय, नमः मौजूलिका अंदर रवे भवा। ओके भाई लोग, तो अभी घर के लिए निकल रहे हैं और आंधी तूफान भी शुरू हो चुका है, तो मत इतना ज्यादा नहीं है, कमी है। तो बस अब घर जाके, घर के पास गाड़ी लगा के निकाल के सामान। अभी जो फिलहाल आज जो है बहुत रात हो गई, तो मैं इसे जो है अपने पोर्च में रख लूंगा। तो क्या कुड़ी बाकी कैमरा लाता, मतलब पोर्च में रख लूंगा, फिर कल सुबह जब वर्कआउट करूंगा तब उठा के सब ले जाऊंगा। तो वार्म अप इतने में हो जाएगा, बाद में छत पे लगाऊंगा। एक बेंच की कमी है, वो हमारे एक दोस्त के पास है, मेरा पड़ोसी दोस्त हिमांशु, मतलब वो यूज नहीं करता, तो उसके घर में ऐसे पड़ा है। तो देखते जाके उसे आज कॉल करता हूँ, घर जाके अगर मिल जाए तो। भाई एक तो भाई यहाँ पे आंधी तूफान शुरू हो गया, ऊपर से कोई बेवकूफ यहाँ आग लगा गया। वो अभी इस तरफ आ रही है आग, ये देखो ऐसे आग लगती है, वो कितनी आग है ये देखो, इस तरफ आ रही है। कौन सा बेवकूफ है जो आग लगा गया, इधर भी आग लग चुकी है। We should call someone. भाई एक तो हमारी गाड़ी भी पेट्रोल है, इससे दूरी रखनी पड़ेगी हमें। वो पागल इंसान। हम घर पहुंच चुके हैं भाई लोग, और मजदूर भी आ गए हैं सामान उठाने के लिए, और उठा के बाइक से घर लेके जाएंगे। वैसे हम वहां तक गाड़ी लेके जाने वाले थे, लेकिन गाड़ियां इतनी खड़ी हैं कि आगे जाएगी नहीं। तक भी रख चकले सभी, वो अभी लाओ रोड एक करेगी यार, किसी ने जान ही नहीं दिंदा। चक वो सारा लिबड़ गया। ओए तू किधर चलना, इधर आ, इधर वापस। ओके सो ये है 20 किलो ये, और 20 किलो नीचे 40 किलो की प्लेट ये, और 10-10 के डंबल ये हैं, और 1-10 की रोड, और एक रोड थी हाँ ये रही। तो मेरा ये सेटअप कंप्लीट हो चुका है, कल सुबह लेके जाऊंगा ऊपर। एंड जहाँ तक बात है बेंच की, तो हिमांशु से बात करी, वो बोल रहा है कि उनकी जो हवेली है वहाँ जब लगाते थे वहाँ पड़ा है, कल सुबह वो खोल के ले आएंगे, तो मेरे को सुबह बेंच भी मिल जाएगा, और फिर छत पे करेंगे सेटअप। सो गाइस अभी मिलते हैं कल सुबह।